हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन में अपनी गर्लफ्रेंड की कॉल कैसे सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड किसके साथ कॉल कर रही है और कब कॉल कर रही है, तो आप सब कुछ अपने फ़ोन में सुन सकोगे। इसके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड्स की कॉल, अपने बॉयफ्रेंड की कॉल या फिर अपनी फैमिली के किसी भी मेम्बर की कॉल अपने फ़ोन में सुनना चाहो, तो आप इजीली सुन सकोगे और किसी को पता भी नहीं लगने वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी को पता भी नहीं लगेगा और आप हर किसी की कॉल अपने फ़ोन में सुन सकोगे। सिर्फ आपको एक सेटिंग करनी है और आप हर किसी की कॉल अपने फ़ोन में सुन सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से किसी की भी कॉल अपने फ़ोन में सुनी जा सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की टेक्निकल वीडियो लेकर आते ही रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी की कॉल भी अपने फ़ोन में सुनना चाहते हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी फैमिली का कोई मेम्बर है, तो सबसे पहले तो उस बंदे का फ़ोन आपने पकड़ लेना है और इसे पकड़ने के बाद फ्रेंड्स उसका फ़ोन का डायल पैड ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैंने अपने फ़ोन का डायल पैड ओपन कर लिया है, तो इसके बाद आपको इसे गौर से देखना है कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको इसमें लिख लेना है *21*। फ्रेंड्स, ऐसे लिखने के बाद आपको यहां पर अपना नंबर लिखना है। ये काम आपको करना है अगले बंदे के फ़ोन में और इसमें अपना नंबर डायल कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नंबर टाइप कर लेता हूँ, तो नंबर को टाइप करने के बाद यहाँ पर हैश लिख लेना है लास्ट में और इसे कर देना है ओके। इसके बाद आपसे ये सिम पूछेगा कि यहाँ से सिम कौन सी सिलेक्ट करनी है, कि आप किस सिम की कॉल अपने फ़ोन में सुनना चाहते हैं। तो मैं सुनना चाहता हूँ 2 सिम से। यहाँ से देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन वॉज सक्सेसफुली हो गई है। तो इसके बाद अगर इस फ़ोन पर कोई भी कॉल आएगी तो ये भी सुनेगा और आप भी सुन सकेंगे कि क्या कॉल आई है और किससे बात हो रही है, और आप चुपके से किसी की कॉल भी अपने फ़ोन में सुन सकोगे और किसी को पता भी नहीं लगने वाला। तो इस तरह से ये वाली कॉल आपके फ़ोन में भी जाएगी और इस फ़ोन में भी रहेगी, और आप इजीली सुन सकोगे कि ये बंदा किससे कॉल कर रहा है और कब कॉल कर रहा है। तो इसके अलावा अगर आप इसे हटाना चाहें कि इसे कैसे हटाया जा सकता है, तो इसके लिए आपको फिर से डायल पैड को ओपन करने के बाद लिख लेना है *##2, फिर 2 लिखने के बाद हैश लिखने के बाद इसे कर देना है डन। तो फ्रेंड, इस तरह से ये कॉल फॉरवर्डिंग इरेज हो जाएगी और आपकी ये कॉल इसी तरह से डिसकनेक्ट हो जाएगी और आपकी कॉल उस बंदे तक नहीं जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरह से ये आप बहुत ही इजीली किसी की कॉल सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं, और अगर आप इसे ख़त्म करना चाहें तो वो भी ख़त्म भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की टेक्निकल वीडियो लेकर आता ही रहता हूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।